54वें सूत्र में प्रेम के स्वरूप का वर्णन करते हुए आगे कह रहे हैं कि ये प्रेम कैसा है, ये प्रभु के प्रति करी हुई अपनी परम प्रीति कैसी है, प्रेम की परिभाषा क्या है। तो वर्णन करते हुए कह रहे हैं ये प्रेम कैसा है, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमान मविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभवगम रूपम। देखो ये पूरे परम प्रेम का डेफिनेशन दे दिया। यदि प्रेम की व्याख्या अपन को समझ नहीं हो, मैंने पहले ही कहा था ना कि जैसे प्रेम और काम दोनों एक से हैं, एक से उनकी गति, एक से उनकी चाल है, उसी प्रकार प्रेम और मोह ये दोनों भी ऐसे हैं जो देखने में बिल्कुल एक से लगते हैं। और अधिकतर अपन मोह कर बैठते हैं, मोह यानी अटैचमेंट, और अटैचमेंट और प्रेम ये दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। अधिकतर अपन लौकिक व्यवहार में प्रेम किसको बोलते हैं, जिसके बिना चले ऐसा अपन को न हो, अपने काम होते न हो, उसके प्रति सहज अटैचमेंट हो जाता है, और अटैचमेंट हो जाता है अपन उसको प्रेम मान लेते हैं। तो ये प्रेम है क्या, जहां अपन प्रेम का दावा करते हैं वो प्रेम है कि अटैचमेंट ही है, मोह ही है, प्रेम किसको कहते हैं। तो कहा गुण रहितम कामना रहितम गुण रहितम। और सबसे पहले कहा कि गुण रहितम यानी क्या, देखो जब अपने वहां कहते हैं ना कि जब भी लौकिक में अपन प्रेम करते हैं तो प्रेम होने का एक कारण होता है कि किसी का कोई गुण अपन को अच्छा लगा। जिससे भी अपन प्रेम करते हो, कोई अपन से पूछे कि तुम्हें उसमें क्या अच्छा लगता है, अपन कहेंगे कि स्वरूप अच्छा लगता है, स्वभाव अच्छा लगता है, उसका व्यवहार अच्छा लगता है, उसकी बातें अच्छी लगती हैं, उसका ये अच्छा लगता है। तो अपन किसी के कारण किसी से प्रेम कर रहे हैं तो उसको कहते हैं गुण सहित प्रेम। किसी का कुछ अच्छा लगता है, किसी का कोई गुण अच्छा लगता है, इसलिए प्रेम किया, तो वो प्रेम तब तक रहेगा जब तक वो गुण उसके अंदर दिख रहा है। स्वभाव अच्छा लगा इसलिए प्रेम किया, तो जिस दिन स्वभाव थोड़ा बिगड़ा प्रेम भी रहेगा नहीं। यदि उसका व्यवहार अच्छा लगा इसलिए प्रेम किया, तो व्यवहार अच्छा न रहा तो, क्योंकि अपने प्रेम का आधार ही वो व्यवहार था, अपना आधार प्रेम नहीं, आधार व्यवहार था, और जहां व्यवहार बिगड़ा प्रेम भी न रहा तो मानो अपना प्रेम गुण में प्रेम था। और गुण में प्रेम तब तक रहता है जब तक सामने गुण दिखता हो, और जब गुण दिखना बंद तो प्रेम भी बंद। प्रभु को प्रेम अपन करते हैं और कहते हैं प्रभु कैसे हैं, बोले कृपा निधान दया सागर दया निधान। तो जब तक ये दया और कृपा दिखती रही तब तक प्रेम, और जहां दया और करुणा दिखनी बंद हुई तो अपन को लगता है कि इतना इतना किया तो भी प्रभु ने कृपा नहीं करी, वो प्रेम रहेगा नहीं, क्योंकि गुण के आधार पे है। और कहते हैं प्रेम होता है तो उसका आधार ही है गुण रहितम, वहां कोई गुण सामने देखने की जरूरत नहीं है, और जहां कोई लक्षण देख के प्रेम होता है वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। हम सब जने बंधे हुए हैं किसमें, बोले मोह में। प्रेम तो कोई विरला ही है जो अनुभव करता है वो वहां तक पहुंचता है। दूसरा कहा कामना रहितम, प्रेम का दूसरा स्वभाव क्या, बोले कामना रहितम, कि जिसके मन में कोई कामना नहीं है। और आज जगत के अंदर अपन जहां जहां भी प्रेम का दावा करते हैं वो जगत के सारे संबंध कोई ना कोई कामनाओं से ही टिके हुए हैं। प्रेम की व्याख्या वो है कि जहां कोई कामना ही नहीं होती, और कामना है इसलिए अपन कहीं जुड़े हुए हैं, किसी न किसी इच्छा के कारण, किसी न किसी मन के आधारों के कारण, किसी न किसी मन के मनोरथों के कारण अपन कहीं ना कहीं झुके। लेकिन प्रेम की व्याख्या तो कर दी गुण रहितम कामना रहितम, और जहां किसी कामना से कोई इच्छा से अपन जुड़े हैं तो वो है मोह,
और प्रेम तो वो है जहां कोई इच्छा ही नहीं है, और इच्छा होगी नहीं तब तक तो प्रभु तक पहुंचेंगे। वो नहीं प्रभु के भक्त थे, प्रभु के भक्त थे और उनने प्रभु राजा थे बहुत बड़े, और जब प्रभु को प्रसन्न कर लिया और कहा कि प्रभु ने कहा बता तुझे क्या चाहिए, बोले यही कि आप मुझे अभी वाणी के रूप से तो अनुभव हो रहे हो पर मुझे आपके प्रगट दर्शन करने। प्रभु ने कहा ठीक है, मैं तेरे पे प्रसन्न हूँ, तेरे पे राजी हूँ, तो तूने ये इच्छा व्यक्त करी कि तुझे मेरे प्रगट दर्शन हो, तो मैं कह रहा हूँ तुझे दर्शन जरूर होंगे। पर राजा ने कहा कि मेरी एक इच्छा और है। बोले क्या? कि आपके दर्शन मुझे हो, पर मेरी ऐसी इच्छा है कि मेरी पूरी प्रजा को, मेरे सारे आत्मीय जनों को भी आपके प्रगट दर्शन हो। राजा ने कहा, दे प्रभु ने कहा, देख राजा तू अधिकारी है तो तुझे मेरे दर्शन हो पाएंगे, पर तेरे स्वजन, तेरे आप्तजन, तेरे प्रियजन वो अभी इतने अधिकारी नहीं हुए। बोले नहीं, मेरी तो ये इच्छा है कि आपके दर्शन मुझे प्रकट हो तो मेरे पूरे राज्य को भी, मेरे पूरे परिवार को भी आपके दर्शन होने चाहिए। प्रभु ने कहा चल ठीक है, तेरी बहुत इच्छा है, तो इस दिन मैं जंगल के अंदर वो बड़ा पर्वत है वहां पर्वत पे खड़े होकर सबको विराट स्वरूप में दर्शन दूंगा, तो तेरा पूरा गांव आएगा, परिवार आएगा, उसको भी मेरे दर्शन हो जाएंगे। राजा बड़े प्रसन्न हो गए और नगर में ढिंढोरा पीट दिया कि ऐसा अवसर कभी किसी को मिलने वाला नहीं है, भगवान स्वयं मंजूर हो गए सबको प्रकट दर्शन देने के लिए, अब ऐसा अवसर कब मिलेगा। सभी सगे संबंधियों को बुला लिया, पूरे राज्य के लोगों को बुला लिया, और जब वो दिन आया सभी को संग लेके राजा जंगल में होते हुए निकले, और जैसे ही जंगल में होते हुए निकले प्रभु का गुणगान गाते गाते जा रहे थे। प्रभु ने कहा देख राजा तू सबको लेके तो आ रहा है पर मुझ तक देख कौन पहुंचता है। और जब सबको लेके जा रहे थे तो वहीं रास्ते में कहते हैं ना कि तांबे के सिक्कों के पर्वत आए दो, और तांबे के सिक्कों के पर्वत आए। गांव के लोगों ने देखा ये तो तांबे के सिक्के के पर्वत हैं, और ये तांबा इकट्ठा करके ले जाएंगे तो हमारे कितने दिन तक खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और झोलियां भरने लग। राजा ने कहा अरे सामने प्रभु राह देख रहे, तुम ये कहां उलझ रहे हो। उन्होंने कहा प्रभु के दर्शन तो कल भी हो जाएंगे, परसों भी हो जाएंगे, ये अवसर गया तो ये अवसर कब मिलेगा। और वो गए और झोला भर भर के तांबे के सिक्के इकट्ठे कर करके जाने लगे। कुछ लोग चले गए, राजा ने कहा देखो कैसे दुर्भागी थे, कहां प्रभु के प्रगट दर्शन होने वाले थे और ये तांबे के सिक्के लेके भाग गए। धीरे धीरे राजा आगे गए, अभी भी कई गांव के लोग और संग संग में चल रहा था, रानी भी थी। और जैसे थोड़े आगे गए तो वहां दो चांदी के सिक्कों के पर्वत आए। अब चांदी के सिक्कों के पर्वत आए तो जो कुछ लोग थे जिन्होंने तांबे के सिक्के को देख के कंट्रोल कर लिया था, अपने मन को समझा दिया था कि आगे जाएंगे तो कुछ और सुख मिलेगा और समझा दिया था, लेकिन चांदी के सिक्के देख के अब उनका कंट्रोल भी गया। राजा ने कहा अरे कहां भाग रहे हो, सामने चलो, प्रभु स्वयं दर्शन दे रहे हैं, ऐसा लाभ कब मिलेगा। और तब उनके घर में डिस्कस हुआ, सोचे अरे दर्शन तो कल भी हो जाएंगे लेकिन ये सिक्के गए तो कब मिलेंगे। और आधे लोग भागे और चांदी के सिक्के इकट्ठे कर करके झोले भर भर के भागने लगे। अब जो इतनी बड़ी संग लेके आ रहे थे आधा खाली हो गया, और आधे संग को लेके जैसे ही राजा रानी और सभी अपने नगरजन जा रहे थे और रस्ते में दो पर्वत सोने के सिक्के के आए। अब सोने के सिक्के के आए फिर क्या हुआ होगा आप सब जानते हो, बचे इतने बड़े संघ में से सिर्फ राजा और रानी, राजा और रानी बचे, बाकी सब भागे कि ये अवसर कब मिलेगा, अब ये मौका कब मिलेगा, दर्शन ने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब करेंगे तब करेंगे, व्रत करेंगे, कभी ना कभी दर्शन हो ही जाएगा, लेकिन ये मौका गया तो हाथ से कब जाएगा। और सभी लोग भागे और राजा और रानी दो जने बचे। चलते चलते जा रहे थे, राजा ने कहा देख रानी ये कितना बड़ा अवसर सबको मिला था कि प्रभु के प्रगट दर्शन हो सकते हैं, और ये प्रगट दर्शन छोड़ के ये लोग सिक्कों के पीछे भाग गए, कैसे अभागी हैं, कैसे दुर्भागी हैं। यूं करते करते आगे जा रहे थे, वहीं कीमती रत्नों के दो पहाड़ आए, और जहां ऐसे महंगे महंगे कीमती हीरे पन्ने माणे के पर्वत भरे भए हैं,
अब रानी का मन ललचाया। राजा ने कहा दृष्टि सामने रख, प्रभु को दर्शन करने जाना है, लेकिन जा हीरो की चकाचौंध, वो रत्नों की चकाचौंध उसे रोक न पाई और रानी भी भागी और अपनी झोलियों में भर भर के हीरो में इतनी व्यस्त हो गई कि आगे आने को तैयार न हुई। अब गए अकेले राजा और राजा ने जाके प्रभु को दर्शन किया। प्रभु ने कहा अरे राजा तूने तो कहा था ना पूरी प्रजा को लेके आएगा, तेरे सारे अपनों को लेके आएगा, ये सब कहाँ गए? कहा प्रभु आपने सही कहा था कि जो मेरे प्रेमी भक्त हैं वही मुझ तक पहुंच जाते हैं, बाकी तो रास्ते में इतने प्रलोभन आते हैं कि कोई कहीं और कोई कहीं अटक ही जाता है। तो कहा कामना रहितम, जिसके मन में कोई भी कामना नहीं सिर्फ प्रभु की कामना है ना, वही प्रभु तक पहुंच सकते हैं। और कहा प्रेम का लक्षण क्या? प्रतिक्षण वर्धमानम। और प्रेम क्या? जो प्रतिक्षण बढ़ता रहे, एक बार बढ़े और एक बार घटे उसको कहते हैं मोह, और जो सतत बढ़ता रहे उसको कहते हैं प्रेम। देखो एक सिंपल व्याख्या है प्रेम की और मोह के, दोनों का डिफरेंस देखना हो तो। और प्रेम क्या है कि जिसमें कभी भी रिवर्स गियर नहीं है। प्रेम में क्या है, एक बार आगे बढ़ के वो वापस नहीं आता। और मोह क्या है, कभी कभी तो ऐसा उभरा आता है और कभी कभी बिल्कुल खाली, उसको कहते हैं मोह। और कहते हैं प्रेम यानी क्या, जो प्रतिक्षण बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे और जिसके अंदर कभी भी वापस लौटना नहीं है। जैसे एक सरिता सागर से मिलती है तो सागर से मिलके उसकी गति अटकती नहीं है, वो सतत सागर में मिलती रहती है, सतत सागर में मिलती रहती है, उसको कहते हैं प्रेम। और एक बार आगे मिलके वापस आवे उसको कहते हैं मोह। तो कहा गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। कहा जो प्रतिक्षण बढ़ता ही रहे और कहते ना प्रतिक्षण बढ़ता रहे यानी क्या, जैसे जिसके पास धन हो ना उसके अंदर तीन वस्तु होती है, धन है, धन का नशा है और धन बढ़े ये इच्छा है। उसी प्रकार जिसके पास भी प्रेम होता है ना, प्रेम प्रेम की खुमारी और सतत प्रेम बढ़ता रहे ये कामना, मैं क्या करूं कि मेरा प्रेम और बढ़े, मैं क्या करूं कि प्रेम और बढ़े, ये सतत खुमारी भी उसके अंदर रहती है। और जो सतत बढ़ता रहे, प्रतिक्षण वृद्धि जिसमें होती रहे, उसको कहते हैं प्रेम। और कहा कैसा है ये प्रेम, अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम, अति सूक्ष्म है, उसको आप पकड़ना चाहो तो पकड़ नहीं पाओगे, देखना चाहो तो देख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वो अनुभव रूपम, क्योंकि वो अनुभव स्वरूप है, जो उसका अनुभव करेगा। इसलिए कहा ना कि अनुभवी बिना अनुभव कहा जान ही, जाके पिया नहीं चित्त चोरे। जिसने स्नेह किया न हो उसके आगे स्नेह की बात करोगे तो वो क्या जानेगा। प्रेम को समझना है तो हमारे भक्त कवि भी कहते हैं प्रेम को वही समझ पावे कि जिसके प्रिय ने उसका भी चित्त चोरा है, वही उसकी व्याख्या को समझ पावे। इसलिए कह दिया अनुभव रूपम। और ये प्रेम की व्याख्या को संक्षिप्त में समझ के अपन आगे